हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। सामने देख सकते हैं, ये पीलीभीत की दिशा है जहां पर ये क्रॉस बार वाले मास्ट लगा लिए गए हैं। इसके अलावा हम आप लोगों को स्टेशन का पूरा व्यू दिखाएंगे। लखीमपुर से मैलानी के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी बचा हुआ है। आप मान के चलिए लगभग गोला से मैलानी तक जो वायरिंग का काम है वो काफ़ी हद तक बचा हुआ है, यानी कि पूरा ही का पूरा बचा हुआ है। और यहाँ पर भी सामने देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो यहाँ पर जो ये मास्ट लगाए गए हैं अभी 90 डिग्री पर सेट नहीं है। मैलानी से इस वीडियो को राजा भाई ने बनाकर भेजा है। राजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। यहाँ से नज़र डालिएगा, ये लखीमपुर सीतापुर की दिशा है। यार्ड का हम आप लोगों को छोटा सा व्यू दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो क्रॉस बार वाले मास्ट हैं वो लगा लिए गए हैं यहाँ पर। तो स्टेशन पर अभी हाइट गेज लगाने का काम नहीं हुआ है, जल्दी यहाँ पर हाइट गेज लगाने का काम भी किया जाएगा। पहले इन सारे मास्ट को 90 डिग्री पर सेट किया जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो मैलानी से पीलीभीत की दिशा में भी शुरू हो चुका है। लगभग 5-6 किलोमीटर आगे तक फाउंडेशन बनाने का काम कर लिया गया है। थोड़ा सा यहाँ से नज़र डालिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बाएं दिशा में देख सकते हैं गोमती नगर एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है, और ये दाएं दिशा में मीटर गेज वाले कोचेस भी खड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 मीटर गेज का प्लेटफॉर्म है। और पीलीभीत से मैलानी की तरफ अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैलानी से पीलीभीत की तरफ शुरू कर दिया गया है। क्योंकि पीलीभीत से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे वहां पर अभी ट्रैक बिछाने का काम नहीं शुरू हुआ है, और जब भी कभी वहां पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा तो KPTL के जो इंजीनियर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, वो भी मैलानी की दिशा में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर देंगे। तो इस तरह से तेज़ रफ्तार से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चलेगा, यानी मैलानी की तरफ से तो चल ही रहा है, पीलीभीत की तरफ से भी आ जाएगा। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो रूट है लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली तक, तो वो पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। फिर आगे के जितने सारे रूट हैं वो इलेक्ट्रिफाइड ही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के टीन शेड के नीचे से हम आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं, जहाँ पर अच्छे पत्थर लगे हुए हैं, मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है। और जब लखीमपुर से मैलानी के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था तो रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।